हमारी माता बहन ने आज मैया जी की आज्ञा बड़ा परमात्मा की आज्ञा बड़ा अपना सब बुद्धि दे हमारे एक मामा जी हैं प्रहलाद हुए थे, उनकी धर्म पत्नी 21 मुठ का साथ में अंदान फल का भगवान के पूजन में अर्पण कर रही हूँ। मैं तो इस कामना का मन की शायद आसमान की गर्मी शांति ईश्वर दे पड़ता प्राण दे दिया संगत
हमारे गुरुजनों ने, ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने दर्शाया है, उपदेश दिया है। बड़े संत हुए कबीर, तुलसी, केशव, राम, रहीम कि बहुत दिन गया अकाल थी संघत भईन संत प्रेम बिना पशु जीवनो भजन बिना। जिस पुरुष के अंदर प्रेम नहीं है, जिस नारी के अंदर प्रेम नहीं है, उसका हम मर्दन के समझ। जिसने भजन नहीं किया तो उसके लिए भगवान बनते आया है। भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, कर्म करने के लिए सर समय चला गया। आए संतों ने धाम में दिन गया, धाम में दिन गया, सोचत हुई गई करना है, सारा जीवन चला गया। लेकिन भगवान का एक समय भी ध्यान रखा, सोचत हुई गई सांझ का मतलब बुढ़ापा गया सोचते सोचते। लेकिन जिस कारण से हम लोग यहाँ आए, उपकार किए, कुछ न करो, कम से कम उस परता परमात्मा को याद करते सारी उम्र बीत जाती है, ना तो संत दर्शन, ना संत की सेवा। लेकिन ज्ञान मिलता कहां से? एक पाठशाला है जिसका नाम है गुरु, गुमाने अंधकार, गुमाने प्रकाश बजा। हमारा गुरु वही है जो हम अंधकार से हमें खींच करके प्रकाश में उजाले में जाके खड़े। तो जब तक क्योंकि गुरु की शरण में संसार में सक्षम है, जो गया कहा गया है कि राम कृष्ण से को बढ़ा, अरे न हुआ नहीं गुरु
परमात्मा भगवान कृष्ण है तो कोई भगवान बुद्ध की भक्ति करता है, कोई सीता राम की भक्ति करता है, कोई राधा कृष्ण की भक्ति करता है, लेकिन ये तो सोचो जिनकी भक्ति करते हैं उनको भी दुख की शरण में जाना है। राम के गुण कौन थे? हर आदमी ने रामायण की विश्वामित्र उनकी लोग भक्ति करते वो भी तो गुरु की शरण से विश्वामित्र की शरण। माता सीता ने बंधु उनसे उपदेश ब्रह्मा जी जिनको कहा जाता है सृष्टि के निर्माण करता है संसार को उत्पत्ति वो भी गुरु की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने अग्नि देव को गुरु किया। भगवान शंकर जिनको लोग कहते हैं ये त्रिलोकी नाथ है और शिव को नहीं पूछता। भगवान शंकर भी गुरु की शरण में उन्होंने गुरु किया कागभूषण जी को। शंकर जी ने शिक्षा शिक्षा ली कौए से शाम भगवान बुद्ध जी की भारत नहीं सारे विश्व में पूजा होती भगवान बुद्ध जी की सारे विश्व वो भी गुरु किशन ने कौन गुरु असित ऋषि देवता जिनकी आप सबको देवता मानते हैं देवता भी गुरु किशन गए। देवताओं को कौन है बृहस्पति जी बृहस्पति जी देवताओं का दैत्य जिनकी गाथा है बड़ी अजरमर वो भी गुरु किशन गए भगवान कृष्ण की भक्ति करते हो राधे संसार में जो आया उसे गुरु की शरण में अवश्य क्योंकि कहा है स्वयं भगवान विष्णु ने नारद से ये नारद सुमिरन किए मिलत नहीं है Thank you.
इसलिए संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी हैं किसने सभी को जाना था। कहा है हमारे से भगवान विष्णु गुरु शरणागत आई के जो सुमिराई हरि नाम को अरे यहाँ गुरु की शरण में जाकर के जो हरि का नाम भगवान का नाम जपता है यहाँ भी आनंद से रहता है, जब लोग को छोड़कर परलोक को जाता है तो वहां उसे आनंद नहीं आता। धन्य गुरु तुम्हारा आधार पाप बांट करके जिसने तो सर मारा कहा है संत कि कंठी माला सुमीर गुरु जी ओ पपुषी गुरु में इतनी शक्ति हो वही तो सागर को पार कहा है जिसने गुरु ने तो चाहिए पूरा सुमिरन कर रही निकला मनुष्य दिन में नगर नायका चुप करे चले कौन मनुष्य चाहे सौ सौ यज्ञ करे सौ सौ माला फेरे दिन में जब तक गुरु के द्वारा नाम दान नहीं लगता है तब तक कैसा जैसे रंडी का पुत्र वैसा का पुत्र। पहले लोग वैसा के पुत्र का नाम रखते थे रुपया जिसकी कोई वैल्यू नहीं। इसी प्रकार से बिना गुरु के नाम दान दिए से किसी भी भक्ति का महत्व तो नहीं माना। इसलिए तो भगवान राम भगवान कृष्ण भगवान बुद्ध सभी को गुरु की शरण में जाने लगे। हमारे गुरुस्वामी ने कहा है समझाया है Thank you.
आप उनके कोई भाव सागर नहीं पाता, चाहे शंकर और ब्रह्मा जी के समान कर दो। इसलिए कहा है श्री गुरु पतन थमारी गण छोड़ी, श्री गुरु पतन थमारी गण छोड़ी, अरे सुनिरत दीप त्राहिय भोती, गुरु के पद चिन्हों की चरण बिंदु की जैसे ही आप स्तुति करेंगे, उनके चरणों को सुनेंगे, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, दिव्य दृष्टि प्राप्ति, दिव्य शक्ति प्राप्ति। इसलिए हमारे संतों ने समझाया है इस मामले में क्या तो गुरु के शरण लीजिए भाई, गुरु की शरण लीजिए भाई, अरे जाओ जी पल्लव नहीं जाओ, इसलिए गुरु की शरण लो। जब गुरु की शरण लो तो आपका जीवन जीवात्मा है जी नर्क नहीं है। तो गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु पूजा में सबकी पूजा, अरे इससे बड़ा हो पाए जुड़ा, गुरु की पूजा में सबकी पूजा होता है। तो गुरु ने मुकुट धारण नहीं छोड़ा, गुरु की नाव चढ़ाई जो पानी, ये ज्ञान कहां से मिलता है? गुरु की पाठशाला से, तभी जीवन का कल्याण होगा। अब देखिए इंद्रियां पांच, दस इंद्रियां, पांच है ज्ञान इंद्रियां और पांच है कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों को समझाती हैं। क्या समझाती? सोचो सोचो एक निर्गुण के माध्यम से आप तक समझे। इस संसार में दो सहेली एक साथ ही आई थी, दो सहेली
इस संसार में कैसा काम है। भैया को बताएगा वो सही है कौन सी जो साथ में आई थी, है कोई बताएगा? दो सहेली, एक काया और एक जीवात्मा, एक जीवात्मा और एक काया, दोनों सहेलियां साथ में आई थी लेकिन साथ में गई नहीं, ना साथ में जाती है। एक सहेली यही रह जाती है और एक सहेली पलता परमात्मा के परम धाम हो जाती। तो काया यही रह जाता है, इसी जन्म लोक में, इस पृथ्वी लोक में, और जीवात्मा को जाना पड़ता है। गलत कर्म कौन करती है? जीवात्मा। और प्रताड़ित कौन की जाती है? काया। मारी कौन जाती है? काया। अब गलत कार्य कौन करती है? जीवात्मा। कैसे? जीवात्मा ने चोरी की, पुलिस किसको पकड़ने लगे? काया को। काई की, काया की धुलाई होती है, तोड़ी जाती है। जैसे जीव ने गाली दे दी, अंदर हो गई, और बुद्धा को का कौन सा है? गाल। सोचो समझो विचार। तो भैया जब शादी होती है तो भौजी को जाती नहीं लड़की के साथ, भौजी अपने घर पर ही रहती है, और जाना किसको पड़ता है? ननद को। ननद कौन है? जीवात्मा। भौजी कौन है? काया। काया है समय समझाती इस ननद को, जीवात्मा गलत कार्य मत कर। जब नहीं मानती है तो काया कहती, भाई जितने दाहना हो दाह ले, जाना तुझे पड़ेगा इस घर से। तो आज काया रूपी भौजी कहती है जीवात्मा ननद से, क्या कहती है? अरे जाई हम चली, जाई हम चली, तुम जाई हम चली। काया जीवात्मा से कहती, हरी हम
मांस मछली कितना पवित्र परमात्मा ने मत दिया है भगवान का नाम जो लिखेंगे इसमें गांजा चरस अफीम मांस मदिरा भरते चले जाए कितना पवित्र मंदिर भगवान का ब्रह्म मंदिर कहा जाए तो कहती काया कि नैहर तमाम बहुत दिखाए ससुरे में जब जाए थे एक दिन सरकार द्वारा पड़ेगा इसके बाद जब दली खाएगी परमात्मा तब पता चलेगा और क्या कहती है ये बात सावन भादव कुंवारी कुमार कार्तिक का मतलब क्या है और सावन भादव का क्या मतलब है अगहन का क्या सावन भादव जो है ये बचपन अगर बचपन में आ गए सावन भादव में गए बहुत से लोग सावन भादव थे कुमार और कार्तिक का मतलब है जवानी सावन माधव बुढ़ापा बचपन है कुमार कार्तिक जवानी अगहन यह है बुढ़ापा तो बचपन से निकल गए जवानी जवानी तो बुढ़ापे में तो कौना होगा ही पूरे मानव समाज का पूरी नारी हमका हमारा आपका सभी का डोना टूट गया तो समझा नहीं कया कि अगहन में गौना फल बैठू सोच लो समझ लो विचार कर फिर क्या कहते हैं एक दिन विदा कराने के लिए कौन आएगा नंदोई नंदोई कौन है जमराज तो एक दिन जमराज की नंदोई विदा कराने समझा क्या क्या नंदोई आप Oh,
Thank you.